बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास, आज हमारी इस टर्म का फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है एक पोएम से, फर्स्ट स्प्रिंग मॉर्निंग, रिटन बाय रॉबर्ट ब्रिजेस। मैंने आपके लिए इस लेक्चर में न्यू प्लानिंग की है जिसमें मैं आपको आज थीम इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। नॉर्मली हमारे पास थीम और दूसरा रीड आउट करने के लिए समरी होती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थीम इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। What is theme? Theme is the main idea of the poem or the central idea of the poem. आसान अल्फाजों में कहा जाए तो मरकजी ख्याल। और summary क्या होती है हमारे पास? The detailed explanation given by the writer. तो आज का topic theme है, तो theme को ही explain कर लेते हैं। First spring morning में Robert Bridges हमें क्या explain करना चाहते हैं, तो उसको read out करते हैं। The poem First Spring Morning talk about nature and the changes. इस पोएम के जो ओपनिंग स्टैंजा हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि राइटर ने मौसम बहार की पहली सुबह के बारे में बात की और कुदरत में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बात की। एक साल में चार सीजन्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर। तो राइटर ने फोकस किस चीज़ पे किया? स्प्रिंग मॉर्निंग में, जिसको उसने इन अल्फाजों में एक्सप्लेन किया कि Describing the beautiful morning of the spring that has a pleasant atmosphere with a cool breeze all around. वो ये कहना चाहता है कि मौसम बहार की जब सुबह का आगाज होता है ठंडी हवा के साथ, तो उसका खुशगवार असर होता है माहौल पे हमारे इर्द गिर्द। तो हमारे पास इस स्टेंजा के जो मेन पॉइंट पर हम आए हैं, तो वो ये है कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है इनफैक्ट कि मौसम बहार की सुबह के आगाज के बारे में राइटर ने बात की, और उसके बाद जो फर्दर चेंजेस आते हैं वेदर में, एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और हमारे लास्ट के जो स्टेंजा हैं उनमें राइटर ने ये एक्सप्लेन किया अपने इमोशंस को आगे रख के, अपनी फीलिंग्स को। ही सो हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कुदरत की इस खूबसूरती को देख के। तो इस सीज़न को, यानी कि स्प्रिंग सीजन को, राइटर ने एक्सप्लेन किया, उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद अपनी इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्लेन किया। तो अब हमारे पास इस लेक्चर में ये चीज़ सामने आ गई कि बेसिक थीम रॉबर्ट ब्रिजेस की क्या है, ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड स्पेशली द स्प्रिंग मॉर्निंग। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा इसी थीम के इंट्रोडक्शन पे ख़त्म होता है।